हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजूस किचन। आज अंजूस किचन में मैं आपके लिए जल्दी से बनने वाला, जी हाँ झटपट से बनने वाला पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैकरोनी पास्ता मेरे अंदाज में। मैकरोनी पास्ता ले लिया है और इनको मैंने उबाल लिया है। इनको मैंने उबलते पानी में 5 मिनट पकने के लिए दिया और पकने रखा और ये इस तरीके से बन गए, पक गए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है हमको, ज़रा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें, ऑयल जैसे हल्का हल्का गर्म होता है तो हम इसमें अपना ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये तेल गर्म हो गया है, इसमें हम अपना ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस है इसको डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कुछ डाल सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें 2 चम्मच जो है पिज्ज़ा पास्ता सॉस डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पास्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसमें ये मेयोनीज है, ये मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज आपको कम ज़्यादा जैसे पसंद है वैसे डाल सकते हैं। तो मैंने ये मेयोनीज जो है लगभग 2 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सा हम पानी मिलाएंगे ताकि हमारी थोड़ी सी बिल्कुल ड्राई ना रहे, बहुत ड्राई अच्छी नहीं लगता है मैकरोनी पास्ता। तो हल्का सा पानी मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये इसमें मैकरोनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, एक अच्छी सी थिक हमारी ग्रेवी बन जाएगी मैकरोनी की और पिज्ज़ा पास्ता सॉस की, अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं अभी अपना इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो पूरा देखिए, देखिए किस तरीके से जल्दी बन जाती है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। हमारे को कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, मैकरोनी को उबालना है और ये सॉस बनाना है। इसमें मैकरोनी को मिक्स कर देना है और बस हमारा रेडी टू पास्ता तैयार। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रेवी बनके तैयार है। अब इसमें ये चिली फ्लेक्स हैं, इस चिली फ्लेक्स को डाल देंगे। इसको डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है चिली, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम ये मिक्स कर देंगे और अब मैंने जो अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया था, जी हाँ ये मेरी मिक्स्ड हर्ब्स हैं। मिक्स्ड हर्ब्स को हम थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और मिक्स करने के बाद जल्दी से इसमें हमारी जो उबले हुए हमारी मैकरोनी है, मैकरोनी पास्ता है, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको बस 2 मिनट के लिए हमें ऐसे बनाना है और हमारा मैकरोनी पास्ता बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें टमेटो सॉस डाल देंगे। इसको डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है और सच बताऊं ये बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये पास्ता, झटपट बनने वाला पास्ता एकदम तैयार है। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और हमारा ये रेडी टू ईट पास्ता झटपट तरीके से टेस्टी टेस्टी पास्ता बन के तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मैकरोनी पास्ता बनके तैयार है झटपट अंदाज में और इसको मैंने ये चीज इसके ऊपर ग्रेट कर दी है। और सच बताऊं ये बहुत ही डिलीशियस बना और जल्दी बन जाता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ये बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये झटपट से बनने वाले, जल्दी से बनने वाला मैकरोनी पास्ता की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हर वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, मेरे हर वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द ही मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।